हेलो गाइज, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीके टेक्नो 52 में आपका स्वागत है। और आज मेरा जो कंटेंट है दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। आप फेसबुक चलाते हैं दोस्तों और फेसबुक आपका प्रोफाइल है और प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपने ऑन कर लिया है और आपके रील पे एंगेजमेंट और लाइक और फॉलोअर अधिक हैं दोस्तों, तो आपका जो स्टार है वह अनेबल हो गया है, तो उसको किस तरह से मोनेटाइज करना है, किस तरह से सेटअप करना है, किस तरह से IFSC कोड और अपना लिंक और मतलब कि जो बैंक अकाउंट होता है दोस्तों, किस तरह से लिंक करेंगे, तो आज मैं यही आपको बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा और बेटर साउंड क्वालिटी का आनंद लेना चाहते हैं तो हेडफोन ईयरफोन का इस्तेमाल कर लें दोस्तों। चलिए हम वीडियो को शुरू कर देते हैं। आपको सर्वप्रथम करना क्या है, आपको फेसबुक खोल लेना है। फेसबुक जैसे आप खोल लेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद आपको लोगो पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोगो पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपका नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। आपको देन डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सी डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं दोस्तों, यहां एक मोनेटाइजेशन सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। मोनेटाइजेशन सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपका स्टार का ऑप्शन आ जाएगा। बगल में आपको ब्लू पट्टी पे सेटअप का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, सेटअप पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटअप पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए न्यू फीचर मेटा कंपनी के लिए तरफ से सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। पहले यह ऑप्शन नहीं था। यहाँ देखिए स्टार के नीचे कंफर्म इन्फो द स्टार्ट अर्निंग, आपका नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका कंट्री एंड रेजिडेंसी रहेगा, आपका देश क्या है, आपका आवास क्या है, सब कुछ रहेगा। इसको मैंने हाइड कर दिया है। देन एक्सेप्ट टर्म पर आपको क्लिक कर देना है। एक्सेप्ट टर्म पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, सेटअप पे आउट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। सेटअप पे आउट ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद सेटअप पे आउट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, लेटेस्ट स्टार बीस दी बेसिक, इसमें आपको लीगल फर्स्ट नेम एंड लीगल सर नेम लिख लेना है, डेट ऑफ बर्थ लिख लेना है, कंट्री आपको सेलेक्ट कर देना है, देन नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं, आपका कंट्री पूछेगा तो आपको कंट्री अपना सेलेक्ट कर लेना है। ऑल उस पे सेक्शन पर क्लिक करेंगे, ऑल वर्ड्स का कंट्री आएगा। ओनली आप इंडिया से हैं तो इंडिया आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद बिजनेस टाइप में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इंडिविजुअल सोले प्रोप्राइटर मतलब कि आपको व्यक्तिगत सेलेक्ट करना है, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे इंटर और यूनिफो, यहाँ आपका फर्स्ट नेम आएगा, लीगल फर्स्ट नेम एंड लीगल सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, प्राइमरी एड्रेस। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ, प्राइमरी एड्रेस। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे दोस्तों कि आपको एड्रेस आपको उल्टा पुल्टा नहीं डालना है, आपका जो आधार कार्ड पे जो सेम एड्रेस है वहीं इस पे इनपुट कर देना है। इसके बाद टाउन सिटी अपना लिख लेना है, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ देखिए नीचे मतलब कि आपको क्लिक कर लेना है, चेक मार्क कर लेना है और इसके बाद देन नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, लिंक पे आउट मेथड पर आपका ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ आप थोड़ा सा समझ लें, चूज योर यू लाइक टू गेट पेड, मतलब यहाँ आपको तीन ऑप्शन दिया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है बैंक ट्रांसफर। बैंक ट्रांसफर का मतलब यह होता है दोस्तों कि इसमें आपका $25 मतलब $25 होता है तो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यदि आप वायर ट्रांसफर करते हैं तो इसका जो मतलब मापदंड है दोस्तों वह है $100, मतलब $100 आपका होगा तभी आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसके बाद तीसरा है लिंक योर पेपल अकाउंट। एक पेपल अकाउंट है दोस्तों, यदि आप पेपल अकाउंट के बारे में नॉलेज रखते होंगे, आपके पास पेपल अकाउंट है तो वह डायरेक्ट पैसा आपके पेपल अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मेरा सुझाव है कि यदि आप एक मीडियम क्रिएटर सामान्य क्रिएटर हैं दोस्तों तो बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। मैं बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करता हूं। यहां देखिए जैसे मैंने बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन चूज किया है, यहां बैंक कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया आ जाएगा, बैंक अकाउंट करेंसी मतलब INR इंडियन रुपीज में आएगा, इसके बाद फर्स्ट लीगल नेम, मिडिल नेम एंड लीगल सर नेम सब कुछ आपको मेंशन कर लेना है दोस्तों। यहाँ देखिए मैंने सब कुछ मेंशन कर लिया है, हाइड कर लिया है। इसके बाद IFSC कोड डाल देना है और इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है दोस्तों। बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे, आपके पासबुक पर लिखा होगा। इसके बाद सब कुछ डालने के बाद आपको लिंक पे आउट मेथड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे आउट मेथड पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। ऐड टैक्स इन्फो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां आपसे देखिए
यहाँ मतलब कि लॉगिन करने के लिए बोल रहा है फेसबुक में, तो आपका यदि ईमेल आईडी याद है तो ईमेल आईडी डाल देना, नहीं तो फोन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके लॉगिन कोड आ जाएगा, इसके बाद लॉग कोड डाल के आपको सबमिट करना है। देखिए मैं वेट कर रहा हूँ दोस्तों, अभी तक मेरा कोड नहीं आया है और आप देख रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद देखिए बहुत क्रिएटर को यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है कि लॉगिन कोड ही नहीं आ रहा है। इतना देर वेट किए हैं, देखिए दोस्तों यहाँ क्या बोल रहा है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, वो जस्ट लॉगेड इन द नियर लखनऊ इंडिया। मतलब यहाँ बोल रहा है कि इस अकाउंट पे टू फैक्टर वेरिफिकेशन है, इस पे कोड नहीं जा सकता है। यहाँ देखिए मुझे मैसेज आया है कोड आने के बजाय, तो आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, फिर से सेटअप पे आउट अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटअप पे आउट अकाउंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, चलिए हम फिर से करते हैं। अब आपका क्या उपाय है दोस्तों, आपका जो मतलब कि ये मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन किए हैं, वेरिफिकेशन किए हैं, तो उसमें आपका ना ईमेल पे कोड आने के लिए है और ना तो ऐप पे कोड आने के लिए है, वह ऑफ होगा दोस्तों, उसको ऑन कर लेना है। आपको फेसबुक खोलना है ना, ऊपर थ्री लाइन पर क्लिक करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है दोस्तों। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन खुलेगा, इसके बाद जो ब्लू रंग का है सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है। जैसे आप सी मोर अकाउंट सेंटर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर देना है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर जैसे क्लिक करेंगे, लॉगिन अलर्ट का ऑप्शन आएगा, लॉगिन अलर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन अलर्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहां देखिए फेसबुक वाला आपका ऐप है, मैंने हाइड किया है, इसको आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहां आपसे पूछ रहा है ईमेल पे कोड मांग रहे हैं कि इन ऐप नोटिफिकेशन, तो मैं इन ऐप नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेता हूं। जैसे इन ऐप नोटिफिकेशन पर क्लिक करता हूं, यहां देखिए इन ऐप नोटिफिकेशन ओनली आ गया है दोस्तों। आने के बाद अब आपको क्या करना है, ऐड टैक्स इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना है। एक चीज और दोस्तों, यदि आपका इंस्टाग्राम फेसबुक से लिंक होगा तो भी कोड नहीं आएगा। चलिए मैं लिंक किया हूं और देख लेता हूं, कोड आता है तो ठीक है, नहीं तो फेसबुक के इंस्टाग्राम से डिसकनेक्ट कर देंगे। ऐड टैक्स इन्फो पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करेंगे, ऐड टैक्स इन्फो का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर से आपको लॉग इन मांग रहा है फेसबुक पे, आपको मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे फिर से वही प्रॉब्लम आ गया है दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा होगा। यहाँ देखिए हैविंग ट्रबल बोल रहा है, सबमिट कोड मतलब कि आ ही नहीं रहा है, तो सबमिट कोड क्या करें दोस्तों। फिर से देखिए मुझे वही मैसेज आया है, यह देखिए 21 दिसंबर 11:04 मतलब पीएम रात को मैं ऑथेंटिकेट कर रहा था। यहाँ देखिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, वी जस्ट लॉगड इन द नियर लखनऊ इंडिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, चलिए मैं एक उपाय और बताता हूँ, आपको डिसकनेक्ट कर लेना है इंस्टाग्राम को। यहाँ देखिए फेसबुक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फेसबुक पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ नीचे थ्री लाइन पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम आ गया है, आपको इंस्टाग्राम रिमूव पर क्लिक करना है। जैसे रिमूव पर क्लिक करेंगे, रिमूव अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। रिमूव अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, क्रिएट पासवर्ड कर सकते हैं, नहीं तो नॉट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नॉट नाउ पे क्लिक करेंगे, यस रिमूव ब्लू पट्टी पर आपको क्लिक कर देना है, देन ओके कर देना है। यहां देखिए इंस्टाग्राम रिमूव हो गया है। अब चलिए हम फिर से अकाउंट सेटअप करते हैं दोस्तों। फिर से आपको फेसबुक खोलना है और इसके बाद लोगो पर क्लिक करना है दोस्तों, सी डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, इसके बाद मोनेटाइजेशन पर क्लिक करना है, सेटअप पे आउट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है, ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करना है दोस्तों। फिर से वहां लॉगिन मांग रहा है, यहाँ देखिए मैंने लॉगिन किया हूँ, अभी कोड मेरा नहीं आया। आपको क्या करना है, सबमिट कोड पे 2-3 बार क्लिक करना है, फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, कैन नॉट गेट योर कोड अप्रूव माय अनदर डिवाइस। मतलब यहाँ बोल रहा है कि आप दूसरे डिवाइस में लॉगिन करें या तो फिर सेंड मी टेक्स्ट मैसेज विथ माय लॉगिन कोड। यहाँ प्रॉब्लम सबके लिए आ रहा है दोस्तों, खासतौर से दिसंबर के महीने में सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, हम पेआउट सेटअप कंप्लीट करके दिखाता हूं दोस्तों। यदि कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा तो मुझे आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्यूचर में कभी भी मेरा वीडियो मत देखिएगा, यह मापदंड है दोस्तों, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। इसके बाद आई डू नॉट हैव माई फोन, यह बोल रहा है कि मेरा फोन नहीं, इस पर आप क्लिक करें तो आपको कहीं नहीं क्लिक करना है, तीसरे बीच वाले पर क्लिक करना है, सेंड मी टेक्स्ट मैसेज विथ माई लॉगिन कोड, इस पर आपको
क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस पर मैंने क्लिक करके कंटिन्यू कर दिया हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ देखिए फेसबुक की तरफ से ऊपर में मेरा कोड आ चुका है दोस्तों। इतना फैक्टर मतलब करने के बाद, पूरा करने के बाद फेसबुक की तरफ से कोड आ गया है 6 अंकों का। अब मैंने कोड डाल के सबमिट कोड पर क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट कोड पर क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए टैक्स इन रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू, मतलब कि आ गया है मेरा टैक्स इन्फॉर्मेशन। आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ देखिए आपको गेट स्टार्टेड टैक्स इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ आपसे पूछ रहा है, पहले पे इंडिविजुअल क्लिक रहेगा, दूसरे में पूछ रहा है कि आर यू से और यूएस सिटीजन, यूएस परमानेंट रेजिडेंसी, मतलब यहाँ पूछ रहा है कि आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। तो नहीं भैया, मैं इंडिया का हूँ। आपको नो पर क्लिक कर लेना है और नीचे भी आपको नो पर क्लिक करना है। आर यू श्योर एक्सेंट एंड इंटरमीडिएटरी एजेंट ऑफ द अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट, यहाँ बोल रहा है कि आप मतलब कि कोई विदेश का मतलब कि एजेंट है। नहीं भैया, मैं एजेंट नहीं हूँ, सामान्य आदमी हूँ। आपको नो पर क्लिक करके देन नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 नंबर आ जाएगा। यहाँ फुल नेम आपको फिल कर लेना है। अब आपको कंट्री यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप में आपको मतलब क्लिक करेंगे, ऑलवर्ड्स का कंट्री आएगा, आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आपका हैव ए नॉन यूएस टीन, मतलब यह बोल रहा है कि क्या आपका मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पैन कार्ड है। नहीं भैया, मेरा अमेरिका का नहीं, मेरा इंडिया का है। और नीचे वाले पे आई हैव ए यूएस टीन पे आपको क्लिक नहीं करना है। यहां इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, यहां देखिए इंटर योर एड्रेस, आपका कंट्री आ जाएगा, आपका एड्रेस फुल फिल रहेगा दोस्तों। और एड्रेस आपका मतलब कि मिला लेंगे कि आपके आधार कार्ड से मेल करता हो। इसके बाद आपका कंट्री रहेगा, इसके बाद स्टेट रहेगा, इसके बाद जिप पोस्टल कोड मतलब एरिया पिन कोड रहेगा, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, ऐड योर मेलिंग एड्रेस, मतलब यहां पूछ रहा है कि यह जो एड्रेस है क्या आपका सही एड्रेस है, तो आपको क्या करना है, हाँ सही एड्रेस है, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, लोकेशन योर सर्विस ऑफ द बिल बी फिजिकली परफॉर्मेड, आपको 0% पर क्लिक करना है, 100% और सर्विस फिजिकली पर नहीं क्लिक करना है। मतलब सबसे ऊपर 0% पर क्लिक कर लेना है, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, कंसेंट एंड साइन आएगा, पहले नंबर पर क्लिक रहेगा, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ आई कैरीफाई दैट आई हैव कैपेसिटी टू साइन द पर्सन आइडेंटिफाई ऑफ द लाइन, इसके बाद आपको यहाँ चेक मार्क कर लेना है, देन आपको सिग्नेचर कर लेना है। और एक चीज ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ जो डेट है, यहाँ देखिए 21/12/2023 को मैंने यहाँ सेटअप किया हूँ, मोनेटाइज किया हूँ। यदि आपका डेट उल्टा पुल्टा आ रहा है तो यहाँ क्लिक करके आप कैलेंडर से सेट कर लेंगे। चलिए, मैंने यहाँ सिग्नेचर कर लिया है। यदि आपको सिग्नेचर का प्रॉब्लम आता है दोस्तों, तो आप पहले से कॉपी कर ले और अपने नाम को जो इससे पहले आया था और यहाँ पेस्ट कर दे। यदि लाल रंग का रिक्वायर्ड आता है, तो एक अक्षर को काट के और फिर से वही अक्षर प्रिंट करेंगे, रिक्वायर्ड हट जाएगा और आपका साइन अप हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने चेक कर दिया है, यहाँ सिग्नेचर कर लिया है, डेट भी मेरा सही है, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, रिसीव एंड सबमिट का ऑप्शन आ गया है दोस्तों। यहाँ मेरा रेफरेंस आईडी है जिसको मैंने हाइड किया है, नीचे आपका नाम रहेगा, देन आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, यहां सब कुछ पढ़ लेंगे। यदि आपका सब कुछ सही है तो आप सबमिट पर क्लिक कर दें, और नहीं तो मेक चेंज पर। जैसे आप मेक चेंज पर क्लिक करेंगे, आप बैक जाएंगे, फिर से अपने मतलब डिटेल्स को एडिट कर लेंगे। मेरा फॉर्म सही है दोस्तों, सबमिट फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे, टैक्स प्रोफाइल, यहां देखिए योर टैक्स इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट। मैंने आपसे वादा किया था बीच में दोस्तों कि कंप्लीट करके दिखाऊंगा, यहां देखिए मेरा कंप्लीट हो चुका है। यहां आपका टीन नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, यहां से व्यू पीडीएफ में आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहां सब कुछ आपका सही है, तो आपको डन कर देना है दोस्तों, और आपका काम पूरा हो गया है। और आप जान गए हैं कि कितने परेशानियों के साथ मैंने स्टार सेटअप किया है दोस्तों, आपको डन कर देना है। जैसे आप डन किए थे, डन किए हैं, जहां से आप शुरू किए थे वहीं पर आ गया है दोस्तों। यहां पर देखिए एक मतलब सेटअप होने के बाद आपका पे आउट यहां पर शो करने लगा है दोस्तों। देखिए यहां पर एक पे आउट ऑप्शन आ गया है, यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी अर्न मनी होगा डॉलर में, वह कब कितना आया है, सब कुछ आप जान सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों, बहुत ही मतलब माइंड खर्च होता है,
और इसके बाद सेटअप पे बैठना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप मेरे मेहनत को अगर समझ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या आपको कैसा वीडियो लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद, जय हिंद की सेना।